तो गाइज ये देखो कितना ज्यादा मेस पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी अभी एक पार्सल ओपन किया है ये वाला, और इतना बड़ा पार्सल ओपन किया है, मुझसे ना वेट ही नहीं हो रहा था। अभी ये पार्सल आया है, सैनिटाइज किया और अंदर लेके आए, और सबसे पहले ओपन किया तो देखा तो ये है उसमें, और इतना बढ़िया आया है ना, इतनी बढ़िया क्वालिटी का मिला है मुझे, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। और देखो ना, मतलब मुझे लगा भी नहीं था इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, मतलब मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर दिया था तो, बट ये देखो इतने बड़े पार्सल में आया था, और मैं भूल गई थी इसका ऑनलाइन पेमेंट किया था मैंने, बोला उनको बोला कि आप कितना पेमेंट हुआ है इतने बड़े पार्सल का, मैं तो शॉक हो गई। फिर इनको बोला कि आपने कुछ ऑर्डर किया था क्या, मैं भूल गई थी इसको ऑर्डर करके, तो ये बोले कि नहीं मैंने ऑर्डर नहीं किया, आपने ही किया था वो वाला, जो मेरे अकाउंट से पैसे कटे थे वो होगा इतने बड़े पार्सल में, तो यही रिसीव हुआ है। और देखो कितना बढ़िया है, मेटल का ये पीस है, और ये ना मैंने यहाँ पर लगाने के लिए ऑर्डर किया था, यहाँ पे देखो यहाँ पर लगाने के लिए ऑर्डर किया था, और इसका ऑनलाइन पेमेंट किया था तो इसी वजह से भूल गई थी। यहाँ पर माही कर रही है उसकी पढ़ाई, मतलब ऑनलाइन क्लास चल रही है उसकी। अद्विक तो हमेशा टीवी देखता रहता है। अद्विक आपकी पढ़ाई का टाइम पूछ रहे हैं सब लोग। अद्विक की स्कूल बंद हो गई, अद्विक की एडमिशन करानी है हमें। अरे अच्छा अच्छा ऑनलाइन क्लास के लिए, अरे आपकी क्लास स्टार्ट होनी है, बाकी है बेटा, और आपके एडमिशन भी बाकी है, अभी एडमिशन करेंगे अद्विक का। और ये देखो यार मैं आपको दिखाती हूँ पास से, बहुत ही बढ़िया, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना, इतना प्यारा पीस रिसीव हुआ है मुझे, और वो भी सच में ऑनलाइन मुझे लगा भी नहीं था कि इतना अच्छा आएगा, मैंने बोला कि चलो यार ट्राई करके देखते हैं, बट सच्ची बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना मुझे। क्या बोल रहे हो, हाँ आपको पसंद आया क्या? हाँ। अरे वाह, ये आपको पसंद आया इसका मतलब ये है कि पैसा वसूल हो गया है ना अद्वि? अच्छा क्या अच्छा है, अच्छा है? पसंद आया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और सबको पूछो आपको कैसा लग रहा है, पूछो हाँ, वो सब भी बोलेंगे कि हाँ अच्छा ही है, और मेटल का है ये, मेटल का पीस है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ। चलो और माही आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा ये? बहुत सुंदर लग रहा था, जब आया तभी बोला था मैंने। हाँ ओपन किया था तो अरे ये अभी ओपन किया है ना, माही की क्लास चल रही थी, फिर भी माही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि इसको कब देखी कि कब देखेगी इसे, मतलब अंदर से निकाला तब उसको बहुत ज्यादा पसंद आया था, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चलो लगने के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा, आज भी कारपेंटर ने डंडी मार दी है, कारपेंटर आए नहीं है हमारे, पता नहीं अभी कब आएंगे वो, जब आएंगे तब आएंगे, ये ऐसे ही कर रहे हैं अभी हमारे कारपेंटर, पता नहीं क्यों। बारिश हो रही है देखो फिर से, ये हर दिन दोपहर में बारिश हो रही है, बढ़िया मौसम है, देखो कितने तेज बिजली खड़क रही है अभी। अद्विक आ जाओ, तो पहले ना अद्विक के लिए टैंक बना के देती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ ब्रेड पकौड़ा। अद्विक ब्रेड पकौड़ा चाहिए ना आपको, ब्रेड पकौड़ा चाहिए ना वही? हाँ इस मौसम में तो बहुत अच्छा लगता है ब्रेड पकौड़ा। अरे बारिश स्टार्ट हो गई है ना, बारिश चल रही है तो इसी वजह से बच्चों को ब्रेड पकौड़ा खाना है। ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, ब्रेड पकौड़ा बना के देती हूँ बच्चों को, उससे पहले हाँ टैंक बना के देती हूँ पहले, उससे पहले अद्विक को टैंक बना के देती हूँ, कब से जिद कर रहा है टैंक पीना है, टैंक पीना है। अद्विक को उल्टा इस मौसम में टैंक चाहिए, देखो उल्टा है उसका सच में, लोगों को इस मौसम में ब्रेड पकौड़ा चाय ऐसे को टैंक चाहिए, पकौड़े चाहिए होते हैं, आलू पकौड़ा वगैरह, और इसको टैंक चाहिए। हाँ लोग क्या करते हैं बारिश आई पकौड़ा लेते चाय में डाल के खा लेते, पकौड़ा चाय में नहीं वैसे खाते हैं। चलो मैं टैंक बना के देती हूँ आपको, उसके बाद पकौड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। चल हाँ हाँ। और मैं उतर जाऊँ। अच्छा चलो पी लो,
मैं ब्रेड पकौड़ा लाती हूँ आपके लिए बना के। साइड की आवाज कर 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 दिन भर चलती रहती है क्योंकि वहां पर चल रहा है ग्रेनाइट घिसना साइड में, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें तो ग्रेनाइट घिस रहा है, तो इसी वजह से इतनी तेज आवाज आती है कि मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ अच्छे से। मतलब आपको आती ही होगी आवाज। मैं यूज करने वाली हूँ ये ब्राउन ब्रेड। एक्चुअली मेरे घर पे अभी ब्राउन ब्रेड ही आ रहा है मेरी वजह से, व्हाइट ब्रेड तो नहीं आ रहा है, तो ब्राउन ब्रेड के ही पकौड़े बनाऊंगी। घोल बनाने के लिए हमें लगेगा बेसन। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच बेसन ले लिया, 4-5 चम्मच, 1 कटोरी के लगभग ये बेसन होगा। उसके बाद मैं उसमें ऐड करूंगी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड कर दूंगी, इससे टेस्ट अच्छा आएगा, और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी। तो यहाँ पे बना के रखा है मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर, तो थोड़ा सा 1 चम्मच ये ऐड कर देना है, 6 चम्मच, और उसके बाद आपको इसका पानी डाल के घोल बना लेना है। फिर आपको थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके। और उसके बाद चुटकी भर आपको इसमें सोडा ऐड कर देना है, एकदम छोटी चुटकी भर ऐड कर देना है। ये हमारा घोल रेडी है, इसे हम साइड में रखेंगे और हम अभी इस टुकड़े को हमें घोल में डिप करना है और बस ऑयल में डाल देना है। बस इसी तरह से हम हमारे सारे पकोड़े को फ्राई कर लेंगे। खा के बताओ कैसे बने? गरम गरम है, देखने में तो बहुत टेस्टी है। अरे वाह, टेस्ट बताओ अभी। देखने में तो टेस्टी लग ही रहा है बट टेस्ट बताओ। अरे वाह, टिश्यू पेपर दूना। 1 मिनट मैं दूसरा लाती हूँ। और खाओ अभी। अरे यार, हाँ।
क्या अभी ये क्या कर रहे हो आप, इसका क्या कर रहे हो? खाओ खाओ, ठंडे है ना अभी, थोड़ा ठंडे हो गए ना? नहीं ठंडा हो गया अद्विक, ठंडा हो गया, टेस्टी है वही, एक नंबर है। चलो खाओ फिर। किसी ने ना इस फ्राई पैन के बारे में पूछा था, तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है डियर, और इसे मेंटेन कैसे करना है वो बताती हूँ। जंग नहीं लगना चाहिए, इसकी वजह से इसे जब भी आप वॉश करते हो उसके बाद ऑयल लगा के छोड़ देना है, मतलब रखना है, तब जाके ये आपका जंग नहीं लगेगा इसे। ये लोहे का है ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा जंग लगने का प्रॉब्लम है। अगर आप ये ट्रिक फॉलो करोगे तो इसे जंग नहीं लगेगा। बाकी के ब्रेड पकौड़े भी यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हो, बिना स्टफिंग वाले ब्रेड पकौड़ा, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। ऐसे भी बच्चों को आप बना के दे सकते हो इंस्टेंट में, वो भी खुश हो जाएंगे और उनको देख के आप भी खुश हो जाओगे। तो इस तरह से रेसिपी जरूर ट्राई करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि रेसिपी कैसी लगी आपको। आज खाने में बना हुआ है राइस, खत्म हो गया है, और उसके बाद है दाल, और है यहाँ पर एक मिनट भिंडी की सब्जी है जो मूंगफली का पाउडर लगा के बनाई हुई है, और इसमें है रोटी, रोटियां है ये मेरी ज्वारी की रोटी। ये बच्चों ने तो पहले ही खाना खा लिया है, आज मैं लेट हो गई हूँ खाना खाने के लिए, तो यहाँ पर है मेरा खाना और अभी मैं खा लेती हूँ खाना। एक्चुअली ये तो ड्यूटी से आए नहीं है अभी तक, तो इनका वेट करने से फायदा नहीं है, बहुत लेट हो जाएंगे, इसी वजह से मैं अपना खाना खा लेती हूँ वो आने के बाद, फिर वो भी अकेले ही खाएंगे आज। ने मुंह छुपा लिया है, मुंह छुपाया किस लिए वो भी दिखा देती हूँ आपको, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अच्छी लग रही है ना, लग रही है सच में, ये कुछ ना कुछ हेयर स्टाइल ट्राई करती रहती है अलग अलग, ये देखो ये देखो अजीब सी हेयर स्टाइल, नहीं लेकिन अच्छी लग रही है माई हेयर स्टाइल, पापा भी बोल रहे ना अच्छी लग रही है, पापा तो वैसे ऐसे आड़े टेढ़े को कभी अच्छा बोलते नहीं है वही नहीं अच्छा बोल रहे ना पापा इस बार देखो, और पीछे से दिखाओ, पीछे से कैसे किया आपने ये, अच्छा अच्छा वो पिन लगाई उसको टिकटैक वाली, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, एक मिनट ऐसे करो, एक मिनट एक मिनट, हाँ ये देखो ये इस तरह से माई ने इस तरह से हेयर स्टाइल बनाई है अपने, बैठे बैठे उसकी कुछ भी दिमाग में आता है, हमेशा अलग अलग स्टाइल ट्राई करती रहती है, उसको बहुत पसंद है। चलो अच्छा है लेकिन, अच्छी लग रही है, बाल बड़े कुछ भी नहीं है, बाल बड़े नहीं है उतने ही ठीक है माई, इतना भी ज्यादा शॉर्ट नहीं है आपके हेयर और इतने भी ज्यादा लंबे नहीं है, बट ठीक है उतने, कार्टून नहीं है, अच्छी लग रही हो ये फिर से डाकू बन के जा रहे हैं, और सब लोग बोल रहे हैं आप पतले हो रहे हो, पतले हो रहे हो, कुछ डाइट अच्छे से लिया करो जल्दी जिम करना स्टार्ट करो, बड़े आप बहुत ज्यादा पतले दिख रहे हो, आप देखो टी शर्ट में तो और भी ज्यादा दिखते हो, गर्मी का मौसम था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम था, अभी सर्दी आएगी ना, हाँ तो अच्छा करेंगे सर्दी में, नहीं नहीं अच्छे से अभी एक्सरसाइज करो, अच्छे से प्रोटीन लो, अच्छे से सब कुछ अच्छे से, और बॉडी अच्छे से बनाओ, जिम रूम भी अपना तैयार हो गया, हाँ हाँ देखो हम, अरे हम तीनों को बाहर रख दिया और ये दरवाजा बंद कर दिया, चलो बाय बाय, देखो माई ने जो चोटियां बनाई थी ना छोटी छोटी गोले टाइप में उसको खोल दिया है, और उसे खोलने के बाद देखो कर्ल्स कितने ज्यादा अच्छे बने हैं।
है ना, बिना कोई स्ट्रेटनर कर्लर वगैरह के, बिना कोई कर्लर के कर्ल्स बनाने हो तो उस टाइप से आप कर सकते हो, गोले गोले टाइप में क्या बोलते हैं तो चोटियां बना सकते हो, छोटे छोटे 10-15 बन बना देना, इतने से बन बना देना और उसके खोलने के बाद ऐसे कर्ल्स बना लेना, बहुत अच्छे लग रहे कर्ल्स, एकदम बड़े बड़े से बढ़िया लग रहे हैं। जो मैट का रोल है ना, ये एंटीस्किड मैट्स है और ये रोल ही पूरा आता है, ये रोल अभी काट के मुझे डालना है सारे शेल्फ में, तो ये सारे शेल्फ में ये रोल जाएगा, मतलब अपने इसके अकॉर्डिंग मुझे ये सारे नाप ले लेके काटने हैं और अच्छे से इसमें डाल देना है। तो चलिए वो काम कर लेती हूँ पहले और फिर बाकी के काम करूंगी। कितने दिनों से सोच रही हूँ ये डालू बट ये एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है यार। मतलब देखो अभी ये मूंगफली डेली सुखा रही हूँ, थोड़ा सा पानी इसको लग जा रहा है, सब भीग रहा है और इसको यहाँ पर रख रही हूँ, ऐसे डेली हो रहा है ये, तो चलो कोई बात नहीं, अभी आज इसे भूनना भी है मुझे, इसके मूंगफली की चटनी ही बना लेती हूँ आज, मतलब इतने सारे मूंगफली की पता नहीं अभी कौन खाएगा इसे, बट ठीक है, क्या करे उसका, अभी वो किसी चीज में यूज करूंगी तो थोड़ा सा टेस्ट खराब भी हो सकता है। चलिए पहले ये डाल देती हूँ, ये डालना कैंसिल आज भी, क्योंकि इतनी कैची ढूंढ रहे हैं, कब से कैची ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रख दी इन्होंने, रखी या कहाँ गुम हो गई, अपने आप उसे पैर लग गए या कहीं चली गई है, पता ही नहीं है। तो चलो आज भी कैंसिल है ये आने के बाद अगर कैची मिल गई तो हम दोनों मिलके डाल देंगे उसमें, और नहीं मिली तो रहने देंगे। अभी क्या कर सकती हूँ, वो भी ड्यूटी से आने के बाद थक जाते हैं तो उनको भी बोलना अच्छा नहीं लगता है मुझे, बट काम है, करना तो पड़ेगा ही। चलो कोई बात नहीं, जब भी आएंगे पता चल ही जाएगा। देखो माही ने बना के लाई है मेरे लिए ये चाय और अभी इसे पी लेती हूँ। एक्चुअली अभी 7 बज रहा है बट फिर भी मेरा चाय पीने का मन कर रहा था तो माही ने बना के दे दी, और वो खुद के लिए और अद्विक के लिए बना रही है पास्ता। मेरे लिए देखो क्या है, बलून, अद्विक के लिए बलून, वो भी फटा हुआ जैसे की तैसे कर दे। क्या कर दिया, ये देखो, इसको एक लबर था वो फूट गया, बलून फूट गया, फिर माइली ने ये लबर निकाल दिया, माइली ने फुला दिया, फिर गांठ बांध दी, फिर दे दिया मुझे। अरे वाह, अच्छा किया माई दीदी ने, तो थैंक यू बोलो माई दीदी को। थैंक यू माई दीदी, वेलकम। चलो अद्विक और माही के लिए माही पास्ता बना रही है, और आज मैं खुश हूँ इसीलिए। क्यों खुश हो? खुश किस लिए पता है क्या, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है, अगर आपने फॉलो नहीं किया, मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, अगर आपने फॉलो नहीं किया है ना तो फॉलो कर दीजिए उसे, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी ही डिमांड पे माही ने इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करो, उसके रील्स देखने हैं आपको, तो इसी वजह से चलो आपने तो चैनल ओपन करने के लिए भी बोला था बट चैनल तो ओपन नहीं कर सकते डियर उसका। दोस्तों का शाउट आउट दे दो ना। शाउट आउट नहीं अपने चैनल पे। नहीं है? नहीं, मेरे ऊपर गिर जाएगी चाय, नहीं तो उसके लिए इंस्टाग्राम जाना पड़ता है। हाँ इंस्टाग्राम जाना पड़ता। आपके इसमें इंस्टाग्राम नहीं है क्या? अभी हाँ है ना, मेरे इसमें इंस्टाग्राम है ना, और हाँ मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे भी फॉलो कर दो यार, माही को भी फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे, मैंने लिंक कम्युनिटी पे दे दिया है उसके इंस्टाग्राम का, अगर आपको नहीं मिले सब्सक्राइबर भी बढ़ा देना और लाइक भी कर देना और घंटी को भी दबा देना। हाँ और डेली अभी अद्विक बोल रहा है आपको, देखो आप लोग अद्विक की बात सुनते हो ना, तो कर देना, मतलब सब्सक्राइब कर देना, लाइक बढ़ा देना, सब्सक्राइबर बढ़ा देना और व्यूज भी बढ़ा देना, और हाँ उनको बोलो कि मम्मा के और माही दीदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर देना। हाँ तो माही का इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल, मतलब माही का यूजर नेम है माही लाटे, तो आप चेक कर लो, मतलब सर्च कर लो, और सर्च करने के बाद आ जाएगा। तो चलिए फिर चाय ले लेती हूँ अपनी, बाद में मिलती हूँ आपसे। तो गाइज किसी ने बोला था मुझे कि आप जो मेट है यहाँ का वो मेट चेंज कर दो, तो अभी ये जो मेट है इसे ये रिटायर हो गया है, अभी इसका रिटायर होने का टाइम आ गया है, तो मैंने ना ये पहले से ही ऑर्डर कर रखा था, बट मैंने सोचा था कि मैं किचन मेकओवर का जब वीडियो बनाऊंगी तब मैं इसे डालूंगी, बट अभी टाइम आ गया है, आप भी बोर हो चुके हो उस मेट को देख देख के, तब इसे डाल देती हूँ, देखते ही ये कैसा लगता है।
अभी देखो ये मैंने बिछा दिया है, एक्चुअली थोड़ा सा मैचिंग तो लग रहा है बट ना थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये, और कैची नहीं दिख रही है आपको तो पता ही है, वो मैंने मैट डालने के लिए भी कैची देखी थी तो कैची नहीं दिख रही है, तो इसी वजह से अभी इसे काट नहीं सकती हूँ, बट बहुत सुंदर लग रहा है ना। अभी देखो किचन का लुक कितना बदल गया है इसकी वजह से, अच्छा लग रहा है अब। और हाँ यहाँ पर बनाई है मसाला खिचड़ी, देखो जान पे आ रहा था अब बनाना तो इसी वजह से, और सुबह का भी था, थोड़ी सी दाल थी, रोटियाँ भी थी और ये भिंडी की सब्जी भी थी, तो इसी वजह से ये अभी मसाला खिचड़ी बनी है। हे गाइस, अभी उठी हूँ मैं और कल का जो प्लान था वो धरा का धरा ही रह गया। ये आपको बता दूँ कि कल इन्होंने, ओह ये देखो, कल इन्होंने केक ला के रखा 12 बजे के लिए, 12 बजे केक कट करने के लिए केक ला के रखा, बट सारे के सारे सो गए और सभी ने एक दूसरे को बोल के रखा था कि हमें उठा देना हमें उठा देना, पर एक भी नहीं उठा तो पूरा प्लान वैसे ही चौपट हो गया। चलो कोई बात नहीं यार। और हाँ, जो भी मुझे इस ब्लॉग पे बर्थडे विश करेगा उनके लिए थैंक यू सो मच डियर, और इससे पहले के ब्लॉग में जिन्होंने मुझे बर्थडे विश किया है उनके लिए भी थैंक यू सो मच डियर। तो चलिए अभी इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने सोचा था कि केक कट करेंगे उस टाइम आपको बताऊँगी दिखाऊँगी जो भी होगा वो, बट क्या करें सो गए थे रात को, तो चलिए कोई बात नहीं होता है ऐसे। आज जो सेलिब्रेशन होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ, चैनल को आज के दिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार मेरा बर्थडे गिफ्ट समझ के, और लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, मैं ऑर्डर नहीं दे रही हूँ रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार आपसे। तो चलिए बाय बाय, और इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो उसको भी चेक कर सकते हो, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो एज अ बर्थडे गिफ्ट। इंस्टाग्राम हैंडल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दोनों चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।